नमस्कार दोस्तों का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले किस तरह से एलेक्सा ऐप को हैंड फ्री यूज कर सकते हो, उसके अलावा एलेक्सा ऐप में किस तरह से अपनी वॉइस को अपडेट कर सकते हो, या फिर जो एलेक्सा आपका रिस्पांस नहीं करती है तो उसे किस तरह से सही कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको अपना एलेक्सा ऐप ओपन कर देना है, ओपन करते इसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे जो वॉइस ट्रेनिंग का आता है, तो आपको इसे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आपको वॉइस ट्रेनिंग करोगे तो आपका जो है हैंड फ्री यूज होगा, यानी आप जब भी एलेक्सा बोलोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ओपन होगा। तो आपको इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर वॉइस ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ पर पाँचवा एलेक्सा बोलना रहता है, तो आपको यहाँ पर एक बार ज़ोर से आराम से जैसे भी ऐसे अलग अलग तरह के आवाज़ दे के आपको यहाँ पर पाँचवा एलेक्सा बोलना है। जैसे यहाँ पे जो आपकी वॉइस ट्रेनिंग होगी आपकी ये आवाज़ रिकॉर्ड होगी, जैसे आप जब भी आप एलेक्सा बोलोगे तो आपका यहाँ पे जो एलेक्सा एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको इस तरह पांच आवाज़ देने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप ऊपर वाले ऑप्शन पे करोगे तो आप जब भी लॉक स्क्रीन होगी तब भी आपकी एलेक्सा रिस्पॉन्स करेगी, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इस पर डन कर देना है। डन करने के बाद आपके यहाँ पर वॉइस ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। यदि आप यहाँ से वॉइस ट्रेनिंग नहीं कर पाते हो, या फिर आपका जो वॉइस जो रिस्पॉन्स सही से नहीं आता है, या फिर आप जो अपनी आवाज़ चेंज करना चाहते हो वो किस तरह से करते हो, बस आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे जाके मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक डिवाइस सेटिंग नाम का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको उसे ओपन करना है। डिवाइस सेटिंग वाला ये जो ऑप्शन है इसे ओपन करने के बाद इस तरह से आ जाएगा एलेक्सा ऑन दिस डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एलेक्सा हैंड फ्री जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, तो आप यहां से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप यहां से दोबारा इसी ट्रेनिंग को कर सकते हो, अपनी वॉइस को जो अपडेट कर सकते हो, या फिर आपकी वॉइस जो काम नहीं कर रही है तो आप डिलीट करके यहां से दोबारा इसे अपडेट करोगे तो आपकी जो वॉइस है वो काम करनी शुरू हो जाएगी। यानी जो आपका जब भी एलेक्सा बोलते हो तो आपका एलेक्सा रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो आपके यहाँ पे जाके इसे जो है डिलीट करके इसे दोबारा अपडेट कर देना है वॉइस ट्रेनिंग को, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उसी तरह से आपको बस यहाँ से करना रहता है। अपडेट करने के बाद जब भी आप एलेक्सा कहोगे तो आपके यहाँ पे एलेक्सा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।